आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आभास सैनी है और सेंक्टम इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ और जिसमें मैंने आपका बेस बनाया है कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। फिर मैंने रिफ्लेक्शन आपको समझाया। रिफ्लेक्शन में हमने हर तरीके का रिफ्लेक्शन देख लिया है और एक सुपर्ब लेवल पर लेके गए हैं हम रिफ्लेक्शन को। और मैंने एक क्वेश्चन भी बना के दिया था आपको रिफ्लेक्शन पे, वो आप दे सकते हैं, चैनल पे प्रेजेंट है, और जिसका नाम दबंग क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे 3। उसमें आपको मैंने एप्लीकेशन भी बना के दी है एक क्वेश्चन की। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। क्योंकि आप जब समझ लेते हो कोई चीज़, आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर आप आगे चल के उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते, आप याद नहीं कर पाते, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक और चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं आपको, नंबर सीरीज़ का बल्कि बिल्कुल एसएससी के बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ जो है, 9 चैप्टर हैं उसके। और आप एक खोली, आपको बस आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए, आपको क्वेश्चन बाहर से दिख जाएंगे कुछ तो थंबनेल पे, और आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी मुझे आज आपको। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आज आपको ना 2 पॉइंट्स के, देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स बताए थे आपको कि सपोज़ कीजिए कि ये मेरा यहाँ पे मेरे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बताया था मैंने आपको कि कुछ भी हो सकता है, जैसे x1 y1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए कि मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पर, उसका नाम कुछ भी x2 y2, इस तरीके से मेरे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट है, इधर उधर बहुत सारे पॉइंट हैं। अब हमने क्या देखा था, हमने देख लिया था कि x वाले को एब्सिसा बोलते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हमने देख लिया कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, यहाँ से यहाँ पे फ्लिप हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, ओरिजिन के अक्रॉस भी मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाई आपको, किसी लाइन के अक्रॉस बता दी, अगर वाई एक्सिस मेरा मिरर है तब बता दी, एक्स एक्सिस मेरा मिरर है तब बता दी, एक लाइन होती है y=x उसके अक्रॉस भी बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि जब हमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, अब आप समझिए कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकलता कैसे है, पहले आप समझिए, थोड़ा बहुत उस पर क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप चल रहे हो, यहाँ पे मेरा पॉइंट है x2, या फिर यहाँ पे पहले x1 ले लो ना, x1 y1, पहले x1 y1 ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा पॉइंट है, देखो आप कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लोगे प्रूफ हो जाएगा। मैं थोड़ा हल्का सा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं प्रूफ कराता नहीं हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें ना आपकी अलग से होनी चाहिए, उसके लिए मैं टाइम निकालूंगा किसी दिन और मैं प्रूफ वाली चीज़ें अलग से डालूंगा, ठीक है। तो उसका कोई मैं श्योरिटी नहीं दे रहा, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये सपोज कीजिए, अब देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी मैं आपको सीधा पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब ये डिराइव हुआ होगा तब पॉइंट्स वगैरह ये फॉर्मूला तो पता नहीं होगा ना, तो कैसे किया होगा इंसानों ने, या फिर किसी भी मैथमेटिशियन ने, उन्होंने कैसे किया होगा, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, मतलब सपोज करो ऐसे करके ये कोऑर्डिनेट, मतलब ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, उन्होंने कैसे किया होगा, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं पाइथागोरस लगा दूंगा। तो अगर मैं पाइथागोरस लगा दूंगा इसमें, तो मैं अगर जनरलाइज करूं तब भी हो जाएगा, जनरलाइज करने से भी हो जाएगा। कैसे, एक बात देखिए, अगर मैं ये देखूं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है y2, ये डिस्टेंस कितना है y1, देखो पहले मैं इसको ना ऐसे ट्रायंगल बना देता हूं ताकि मैं यूज कर पाऊं पाइथागोरस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, पूरा का पूरा y1। अगर मुझे कोई बोले कि, अब देखो इसका नाम दे दो a b c, अगर मुझे कोई ab बोले तो मुझे दिख जाएगा ना y1 में से ये इतना, y1 में से अगर मैं y2 निकाल दूंगा तो ab मेरा कितना आ जाएगा y1 - y2। सिमिलरली अब x की बात करते हैं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये b तक लेके जा रहा हूं मैं, ये कितना है, ये कितना डिस्टेंस है मेरा x1, ठीक है ये x1 है ना,
और यहां से यहां इसके इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू है ना, यहां से यहां तक का कितना है एक्स टू। तो मेरे से अगर कोई बीसी पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स वन माइनस एक्स टू कर दूंगा। अब देखिए, अब आप पाइथागोरस अगर आप लगा देंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, मैंने जो मेरे को जो मैंने निकाला मैं उसी में बस पुट कर रहा हूँ, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ए सी निकालना है तो ए सी एज इट इज और रूट में आपका, ये आपका जनरलाइजेशन है। ठीक है, आपको ये पहले से पता होता है लेकिन ये कैसे आया ये थोड़ा सा बताना मैं चाह रहा था ताकि हम लोग एप्लीकेशन भी समझ पाएं कि देखो अगर दो पॉइंट ऐसे दे रखे हैं तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। और इस तरीके से बताने से आपका क्या होता है, आपका दिमाग खुलता है और जैसे कोई नया क्वेश्चन आता है बनके तो आप उसको अप्रोच करने में थोड़ा सा आगे आपको लीड रहती है कि हाँ मैंने ये किया। तो अब देखिए जनरलाइजेशन मैंने कर दी कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मेरा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो आप इतना ध्यान मत देना कि x2 पहले और x2 क्या माने x1 क्या माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हो। अगर मैं 4 माइनस 3 कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर ले रहा हूँ या फिर 3 माइनस 4 कर रहा हूँ इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर आएगा तो दोनों 1 ना। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना कि इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे आपका ये कैसे हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। ठीक है, आप बस इतना देखो कि ये फॉर्मूला होता है और कुछ भी मैं x1 y1 मान लूंगा और कुछ भी मैं x2 y2 मान लूंगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए कि उसने बोल दिया कुछ सबसे बेसिक क्वेश्चन से, SSC कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वैसे मैं आपको बताता रहूंगा कि SSC क्या क्या किस किस लेवल पे पूछ सकता है आपसे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, SSC पूछ सकता है कि आप ये बताओ, तीन पॉइंट्स दे देगा और आपको बोलेगा कि चेक करके बताइए कि क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप क्या करोगे डिस्टेंस, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहोगे तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो आप, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, हम प्लॉट करके देख लेते हैं, यूनिट्स गिन लेते हैं और उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आपको। लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको, बेसिक चीज समझिए पहले आप। सपोज कीजिए कि आपका ये डिस्टेंस है यहाँ पे, मेरा ये 1,1 है और यहाँ पे मेरा है यहाँ पे ये मेरा 1,2 -4,2 है -2, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा वही बात है कि अगर मैं 1 -4 तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो मेरे को पता चल गया कि 5 का होल स्क्वायर 25 और 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये मेरा √41 आंसर आ गया। तो आपने ये पॉइंट इसका डिस्टेंस निकाल लिया। आपको वैसे ये सब चीज़ें वर्बली हो जाती हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ सकता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा हल्का सा, मतलब प्री लेवल का, वैसे प्री लेवल का क्वेश्चन है नहीं लेकिन वो कुछ भी दे सकते हैं और कई बार देते हैं, जैसे आप CGL CHSL, क्योंकि जो लोग SSC एस्पिरेंट होते हैं वो हर एक पेपर देते हैं, वो CPO भी देते हैं चाहे वो एलिजिबल ना हो, और अच्छी बात है। इससे क्या होता है थोड़ा सा, मतलब प्री तो देना ही चाहिए कम से कम, और उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और GK के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सब दो SSC के सारे पेपर देने चाहिए। और मैं बताऊं, भीड़ से कभी भी नहीं डरना, भीड़ से आप सोचोगे कि हम कंपटीशन वो कर रहे हैं, भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना लेवल बड़ा बढ़ाओगे तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। देखो आप देखते हो, आपने कई बार देखा होगा लेवल ऐसे ऐसे, जब एक होता है कि इतनी रेंज में, मतलब जैसे 450 से 400 की रेंज में, मैं टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स को बोल रहा हूँ, बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़। फिर 480 तक उससे थोड़ी सी कम भीड़ होगी, उसके ऊपर आप जाओ भीड़ मिलेगी नहीं। तो आपको लेवल ऊपर बनाना है, वो धीरे धीरे बनेगा, ग्रेजुअली बनेगा, लेकिन हाँ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको तीन क्लासेस दी, उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन इसलिए बीच में डाल दी क्योंकि मुझे लगा कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप लोग पिछला भूलते जा रहे हो। फिर मैंने कैलकुलेशन के बाद 2-3 क्वेश्चन भी दिया आपको कि आप कैलकुलेशन समझा दी मैंने, डिविजन समझा दी आपको वैदिक मैथ से, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहाँ है। जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगी कि ये कहाँ यूज़ होगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप बोलोगे अरे यार कुछ बताया तो था, मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया है एक बहुत जबरदस्त, जिससे क्वाड्रेटिक से आप बच जाते हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि मतलब एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस है। देखो मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा लेकिन सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से, एक 2, -4 2, -5 से
और माइनस टू कॉमा नाइन से, ठीक है। अब देखो अगर आप प्लॉट प्लॉट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे ये टू कॉमा माइनस फाइव जो आएगा मेरा यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये मेरा टू कॉमा माइनस फाइव आ गया, और ये मेरा माइनस टू कॉमा नाइन, माइनस टू कॉमा नाइन मेरा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा, चलो ये इतना मेरा बना नहीं रखा, यहाँ पे कहीं पे, तो माइनस टू कॉमा नाइन। लेकिन मेरे को आप एक चीज बताइए कि मेरे को डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे किस तरीके से करा जा सकता है। तो आपको मालूम है कि एक्स पूरी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो मैं इसको अगर एक्स कॉमा जीरो ले लूं इस पॉइंट को, और मैं बोलूं कि मतलब कुछ भी ले लो, अब मैं बोलूं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा पी है, तो एपी का डिस्टेंस पीबी के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका एपी का डिस्टेंस पीबी के इक्वल होगा। अब ये क्या है, टू और यहां पे कितना है, एक्स माइनस टू, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो जो रूट आएगा ना दोनों तरफ उसको मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो मैं रूट लिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एपी को इक्वेट कर रहा हूँ और बीपी के, मैं अगर स्क्वायर भी इक्वेट करूंगा तब भी बात वही रहेगी, ठीक है। तो मैंने रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, सीधा प्लस नाइन का स्क्वायर मतलब 81 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप देखो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर 25। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, देखो इसको सॉल्व ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन से हम देख लेते हैं एक्स की वैल्यू और सीधा हमें पता चल जाता है कि हाँ ये प्लस करके आ रहा है, ये माइनस करके आ रहा है, आप इतना देख लोगे तब आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं करवा नहीं रहा, ये बहुत बहुत बेसिक चीज है। अब एक बात बताइए कि अगर आपसे और डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो ये पूछ सकते हैं कि आप ट्रायंगल के मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो पूछेंगे लेकिन ट्रायंगल के फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपसे क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में ये चीज पता होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा हूँ, आप एप्लीकेशन समझिए थोड़ा सा। मैंने बताया ना कि हम कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री से लिंक करते हुए चलेंगे, ताकि मैं जब आपको ज्योमेट्री बताऊं तो आपको पता हो कि हमने क्या किया है। अब देखिए अगर मेरे को कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कीजिए मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, मेरे को लेंथ दे रखी है 4 यूनिट, मतलब मेरे को एक दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन बोल देता हूँ कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें टू इक्वल साइड हैं 4 एंड 4। मुझे क्या करना है, मुझे जो आपका वर्टेक्स है, मतलब जो मेरा वर्टेक्स है उससे हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है। सपोज कीजिए तो मेरे को रफली पता चल गया कि वो क्या पूछ रहा है मेरे से, वो मेरे से ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए मैंने मैंने अगर मैं कोऑर्डिनेट में कैसे करूंगा, मेरे को 4 डिस्टेंस पे जाना है, तो 1 यहाँ पे 1 2 3 4, मैं क्या करूंगा ये 4.0 ले लूंगा। अब देखो एप्लीकेशन समझनी है आपको, बेसिक से शुरू करनी है, यहाँ पे आपको 0.4 ले लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, अब वो मुझसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ये अगर मेरे को ये बीच वाला मिड पॉइंट मिल जाते तो मैं डिस्टेंस निकाल देता। तो अब मैं आपको, मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको टॉपिक जो थंबनेल पे आपने देखा होगा वो क्या देखा है कि दूरी और रेशियो। रेशियो मतलब आपको पता चलना चाहिए, मतलब डिस्टेंस और रेशियो। रेशियो मैं आपको यही बताऊंगा, अभी मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा तो उसी का एक पार्ट है कि मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो एप्लीकेशन में कैसे करोगे, मैं अभी आपको मिड पॉइंट निकालना सिखाऊंगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। आपने एक सेकंड में देखो, जिसको मालूम है वो बता, उसको मैं बता दूं कि जो मिड पॉइंट आएगा 2.2 आएगा। कैसे, हम इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं। देखो एवरेज ही तो होती है, देखो आप रियल लाइफ से रिलेट करो ना, मेरे को अगर मिड पॉइंट निकालना है यहां से यहां तक का, तो दोनों का एवरेज मेरा मिड पॉइंट, तो मैं 0 + 4 का एवरेज 2, 4 + 0 का एवरेज भी कितना होगा 2, तो मेरा और ये वाला पॉइंट कितना है मेरा 0.0। अब मेरे को अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, √4, मतलब रूट के अंदर देखो, मतलब 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा सा और खुल के लिख देता हूँ, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सही रहता है। और ये आपका 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 4 + 4 मतलब आपका √8 आ गया, मतलब 2√2 आ गया, ठीक है। अब कई लोग इस चीज को वैसे भी कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला मैं ज्योमेट्री में हल्का सा बताया, तो आपको मालूम है 4 4 ये आपका 4√2 होता है,
और मैं सीधा क्या करता हूँ, 4 × 4 अपॉन, जब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना होता है, 4 × 4 अपॉन 4√2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका 2√2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा √2 और ये आपका 2 यहाँ पे बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका तरीका, ये ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपको इसको कोऑर्डिनेट से लिंक करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे किया। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू समझ में आ गई होगी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो दो कोई भी पॉइंट, अगर मैं कल को एक, अगर मान लो मेरे को ज्योमेट्री में इस तरीके की कोई फिगर दे रखी है, मुझसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, मेरे को ये दोनों पॉइंट पता है, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मुझे पता होना चाहिए ना जनरलाइज तरीका कि मेरा x1 − x2 2 + y1 − y2 2, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको बेसिक बताया मैंने, आपको थोड़ा सा बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता है, और भी और बतेरे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप सब कर लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है। अब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला के दो पार्ट हैं, इंटरनली जब हम डिवाइड करते हैं, जो हम नहीं करती, वो जो पॉइंट करता है या फिर कोई लाइन करती है तब होता है इंटरनली, वो करती है इसलिए बोला मैंने, और एक्सटर्नली जब कोई पॉइंट आपका डिवाइड करता है। अब ये इंटरनली सबको पता होता है, एक्सटर्नली आप लोगों को समझ में नहीं आता, वो भी मैं समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले की कोई, मैं आपको बता दूं सेक्शन फॉर्मूले की भी डेरिवेशन हो सकती है सिमिलैरिटी से। अब पहले आप समझिए कि सेक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इनकी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इन सेंटर निकालने में, सेंट्रोइड निकालने में, एक्स सेंटर निकालने में, अगर हम ये फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में मतलब साइंस की बात करें, साइंस की इक्विलिब्रियम निकालने में, सेंटर ऑफ मास निकालने में, इन सब में आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। आपको पहले इस चीज के लिए क्यूरियस होना है कि सेक्शन फॉर्मूला, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ फालतू की चीजें, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, आप जब तक किसी चीज को लेकर क्यूरियस नहीं होते आपको समझ में नहीं आता, और आप समझिए इस चीज को। अब देखिए अगर मेरी कोई लाइन है, सपोज कीजिए कि मैंने ये आपकी ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक कोई सी भी मैंने उठा के ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को पॉइंट निकालना है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है एक, देखो ये पहले मैं नाम दे दूं इसका, ये x1 y1, ये x2 y2 है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, मतलब डिफाइन उसको वो नहीं करेंगे, वो सिमिलैरिटी से हो जाएगा सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और मैं इसलिए ज़्यादा चाहता नहीं कि आप लोगों का इससे थोड़ा मन हट जाए, तो मैं इसको वो नहीं कर रहा। अब देखिए अगर मान लो कोई ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, सपोज करो ये मेरा पी या फिर एक्स है, एक्स है, और ये मेरा एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप सीधा फॉर्मूला देख लीजिए। देखो आपको थोड़ा मिलता जुलता लगेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये देखो एक तरह से वेट ही है, ये वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट भी आप कह सकते हो उसको, वेटेड एवरेज कह सकते हो, एलिगेशन वाला कंसेप्ट भी कह सकते हो वेटेड एवरेज, वही चीज़ है ये। देखो पूरी मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है, अरिथमेटिक ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट को अलग अलग हम मॉड्यूल्स में तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पे कमांड करनी है, ठीक है। अब देखो ये आपका, अगर मैं ये जो मेरा पॉइंट है ना, इस पे मैं x का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ और y का कोऑर्डिनेट, अलग अलग निकलेगा, तो x का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, अगर मैं m, देखो m है ना, हाँ m x 2 मतलब ये वाला इस पे जाके करेगा मल्टीप्लाई, प्लस m, सॉरी m नहीं, n n n हाँ n x 1 अपॉन m प्लस 1 n m प्लस n, ये मेरे को ये थोड़ा सा हल्का सा अभी याद कर लो, अभी मैं बता देता हूँ कि आपको अपने आप ही रट जाएगा। अब इसकी अगर y की निकालेंगे तो फिर से सेम जो फॉर्मेट चलेगा वही चलेगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट निकाल दिए मैंने x और y के, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको लेके चलते हैं, ठीक है, ये हल्का सा दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे को अगर सपोज करो ये मेरी लाइन है, मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि 1:3 में है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, मेरे को ये पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, तो मेरे को पता है कि अब मैं फॉर्मूला से ऐसे निकाल दूंगा। सपोज करो मेरा ये कुछ भी पॉइंट है, मैंने इसको ले लिया कि ये मेरा 1,1 है और ये मैंने इसको 3,3 ले लिया, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या करूँगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब फॉर्मूले पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 + 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 + नीचे 4, ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर मैं वाई को निकालूंगा तो 1 को इस वाले से,
और 3 को इससे प्लस 3, और यहाँ पे मेरा डिवाइड बाई 4, तो मेरे x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला को। देखो ये तो तब बात थी जब इंटरनली, इंटरनली का मतलब क्या होता है, देखो इंटरनली समझो पहले आप, इंटरनली हमें बहुत अच्छे से सब चीज समझते हुए चलना है, क्योंकि आप पता नहीं 50 बार पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मेरी पूरी कोशिश रहेगी बस ये चीज है। देखो ये आपका ए है, ये मेरा बी है, जो मैंने अभी पॉइंट निकाला वो इस लाइन के कहीं पे बीच में लाई कर रहा है ना, ये जो मैंने अभी पॉइंट निकाले, जो मैंने आपको बताया कि ये एम एक्स टू और ये जो मैंने बताया था फॉर्मूला, ये बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये एम रेशियो एन है और ये मेरा एक्स, ये मेरा कहीं पे बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये मेरा इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब एक बात बताइए, और इंटरनली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनली से ही मिड पॉइंट वगैरह ये सब चीजें आपकी निकलती है, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, पहले आप सेक्शन फॉर्मूला पूरा समझिए। अब आप अगर एक्सटर्नली की बात कर रहे हो, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली क्या होता है, बहुत ही अजीब सी बात है कि एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर देगा। अब ये मेरी लाइन है, सपोज करो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, एक्सटर्नली कोई कैसे डिवाइड कर सकता है, मैं बताता हूँ कैसे कर सकता है। सपोज कीजिए कि आपका एक पॉइंट एक्स है, ठीक है, अगर ये पॉइंट मतलब मेरा, अगर ए एक्स और एक्स बी का डिस्टेंस इस तरीके से है, मतलब एम रेशियो एन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, तो मतलब ये एम रेशियो एन कुछ तो होगा ना, तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया इसने। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर ये मेरा कहीं इस लाइन पे कहीं पे नहीं है, कहीं और है, ये जो मेरा पॉइंट है लाइन के बीच में कहीं नहीं है, कहीं और है, और एम रेशियो एन को ही रेशियो आ रहा है, मतलब सपोज करो यहाँ से ए एक्स, ये डिस्टेंस मेरा मान लो 10 है, ये डिस्टेंस मेरा मान लो 5 है, तो ये मेरा कितना हो गया 10 और 5, मतलब मेरा एक एम एन रेशियो आ रहा है ना आपका रेशियो, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है हर चीज, एम एक्स टू वही फॉर्मूला है लेकिन नेगेटिव हो गई, एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ये मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा इसी को देख लो, एम वाई टू, बस वाई टू एक्स की जगह वाई करना है, एन वाई वन और अपॉन एम माइनस एन कर देंगे। आप समझते हुए चलिए, आप देखो ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मैं क्या पढ़ा के चला जा रहा हूँ मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि आप लोग कमेंट में भी नहीं बताते, कुछ लोग बताते हैं तो फिर हम उन मैं क्या करता हूँ, मैं उनको टेलीग्राम पे वॉइस नोट में थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर देता हूँ, और हम लोग अलग तरीके से पूरा, मतलब आप लोग हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम और फेसबुक पे ग्रुप पे, आपको थोड़ा खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि क्यों हम लोग सबसे अलग हैं और इतनी मेहनत किस लिए करी जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को कोई बोले मिड पॉइंट, मतलब मैंने क्या करा, मैंने अब आपको पॉइंट्स ये बता दिए कि इस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी, यहाँ पे हो कहीं पे भी मेरा ये मेरी लाइन कहीं पे भी हो किधर भी हो, मैं उनका अगर मेरे को रेशियो दे रखा है या फिर रेशियो नहीं दे रखा और मेरे को पॉइंट्स दे रखे तो मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को रिलेशन मिल गया, मेरे को जनरलाइजेशन मिल गई। अगर मैं इस मिड पॉइंट को, मतलब मैंने अभी देखा ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी ऊपर, अगर मुझे पूछे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दो, जनरलाइज कर दो मिड पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा, देखो मिड पॉइंट में मेरे एम रेशियो एन क्या हो गया, 1:1 हो गया ना, तो आपके फॉर्मूले को सीधा सीधा मैंने क्या लिख दिया, देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, आप मेरा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, एम प्लस एन और ये मेरा एम वाई टू प्लस, देखो ये इंटरनली वाला लिख रहा हूँ मैं, इंटरनली है ये बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो मेरा एम एन जहां पे भी है मेरे को तो वन करना है, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट है, मिड पॉइंट टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट, लेकिन ये टॉपिक उसी का टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो मिड पॉइंट की जनरलाइजेशन क्या होगी, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू टू, क्योंकि ये 1+1 2, और वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, ये कुछ नहीं है, ये एवरेज है, ये एवरेज है मिड पॉइंट, और दो चीजों की एवरेज है इसलिए टू से डिवाइड कर रहे हो। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होती है, तो मैंने दो चीजें ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं दो चीजें ले रहा हूँ ना, दो चीजों को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये आपका मिड पॉइंट का हो गया। अब देखिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला, ताकि आपका सेक्शन फॉर्मूले में हाथ बैठे और मिड पॉइंट वगैरह में आपका हाथ बैठ जाए। देखो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसी को लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, 4-4 साइड थी और मिड पॉइंट था, मतलब मेरा परपेंडिकुलर था, तो वो मिड पॉइंट मेरे को ऑलरेडी पता चल गया। अब देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मेरा पॉइंट है और यहाँ पे मेरा जुड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को मिड पॉइंट, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा कितना है 0.4,
यहाँ पे मेरा पॉइंट कितना है, 4,0, ठीक है। ओके, अब मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना था, तो मैं आप देखो आपको करवाते हुए चल रहा हूं। मेरे को ये पॉइंट, मेरे को पता चल गया था कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये मेरा मिड पॉइंट था, तो मैंने इसको एवरेज निकाल दिया था कि 2,2। लेकिन क्या ये ऐसे ही पूछेगा हर बारी? नहीं पूछ सकता। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ऐसे ही पूछे, आपसे वो इस तरीके से पूछ सकता है कि आपका एक ट्रायंगल है। देखो मैं आपको सीधा कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री से लिंक करते हुए चल रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंट, देखो मेरे को कई बार ये डिस्टेंस दे देते हैं। सपोज कीजिए कि मैं फिर से एक अलग वाले उसमें समझाता हूँ। देखो अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, राइट एंगल ट्रायंगल है और फिर से वही 4,4 साइड है, एक हाइपोटेन्यूस पे देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूस को 1:5 में डिवाइड कर रहा है, 1:5 में डिवाइड कर रहा है, और मुझे इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। मतलब सपोज करो मेरा ए बी सी, ये मेरा डी, तो मुझे बी डी निकालना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? आप ज्योमेट्री के लिए करोगे, मैं आपको कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। देखो आपका कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, 1,2,3,4, यहाँ पे मेरा कितना है और ये 1,2,3,4, ये मेरा कितना हो गया 4,0, ये कितना हो गया 0,4। देखो ये मैंने पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, अब ये मेरा 0,0, ओरिजिन मेरा 0,0। देखो डायरेक्टली जो इस फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं आप, फर्स्ट पार्ट से देखते हुए आइए। मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ मैं, तभी आप मेरे लॉजिक्स पे कंसेप्ट और जो कंसेप्ट्स हैं उस पे कंफर्टेबल होंगे। अब देखिए ये आपको यहाँ पे कोई पॉइंट है 1,5 में मेरा कर रहा है। अब देखो मेरे को ये पॉइंट्स, अगर मेरे को ये कोई कोऑर्डिनेट बता दे तो मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा, बहुत आराम से निकाल दूंगा। देखो कैसे निकलेगा, अगर मेरे को 1, अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, मैं सेक्शन फॉर्मूला, ये मेरा एम है, ये मेरा एन ही तो है। मैं इसको देखो, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सीधा करता हूँ। मैं एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, मैं एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 × 4, 4 प्लस, देखो 1 × 4, 5 × 0 मतलब 0 प्लस 6 कॉमा, ये मेरा एक्स का था। अब नीचे लिख देते हैं वाई का, देखो 1 × 0, 0 देखो 1 × 0 वाई पे कर रहा हूँ काम, हमने 5 × 4, 20 / 6। तो मेरे को पॉइंट्स मिल गए या नहीं मिल गए? आपको पॉइंट्स मिल गए। कैसे? देखो ये कितना है, एक्चुअल में 4/6 मतलब 2/3 और 20/6 का मतलब कितना है 10/3, ठीक है ना, ये हाफ, ये भी हाफ, ये हाफ, ये भी हाफ, तो ये मेरे को 2/3, 10/3 मुझे मिल गए पॉइंट्स। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से सीधा निकाल दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, 0 − 2/3। मैं आपको खुल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता ना चल, आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। देखो अब ये रूट में मेरा आंसर क्या आएगा, 4/9 + 100/9, तो आपका रूट 104/3, 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा। ये मेरा डिस्टेंस है, आप समझो इस चीज को कि कितनी जबरदस्त चीज है। अब इसमें हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक नहीं हुई है, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुई है आपका, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस आपका इतना ज्यादा है, मतलब ये आप एक चीज और, आप मैं आपको एक हल्का सा अपना अपने ना सिली मिस्टेक से बचने के तरीके बताता हूँ आपको। वैसे मैं लाइव आके कुछ चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन मैं सिली मिस्टेक से वो धीरे धीरे, मैंने आपको बता ही दिया कि मैं हफ्ते में 2 दिन आने की कोशिश करूंगा। देखो आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको लमसम निकालूं तो मेरा लगभग 10 है ना, ये मतलब 100 × 10 / 3 तो मेरा 3.3 थी, तो ठीक है ना मेरा, मतलब मेरे को लग रहा है कि देखो ये मेरा 4 था, तो 4 से तो कम ही आ रहा है ना ये डिस्टेंस। 4 तो तब होगा जब ये उठ के यहाँ चला जाएगा। देखो मैं आई लेटर से थोड़ी सी ये चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फालतू की चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, एक मतलब निकालते ही पता चल जाएगा। देखो ये मेरा डिस्टेंस, मैंने ये डिस्टेंस निकाला आपका, मेरे को पता चल गया ये रूट 104/3, मतलब मेरा लगभग 3.33 आ रहा है। तो आपको पता कैसे चलेगा ठीक है? देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा, ये 4 है ना, ये जो मेरी लाइन, ये 4 है ना, तो 4 से तो कम ही जाएगा ना, 4 तब जाता। देखो जितना आप 4 के पास चले जाओगे ना, इसको जितना पास लेके जाओगे उतना आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और मिडल में आपका डिस्टेंस बिल्कुल हाफ ही हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जब हम करेंगे, देखो ज्योमेट्री करेंगे तो
खतरनाक वाली करेंगे, ठीक है? मतलब जो भी करेंगे तो खतरनाक तरीके से ही करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। मैंने आपको कितनी बार आपको बोल दी ये बात कि जब भी मैं लाइव आता हूँ, मैं अभी तक 2 बार लाइव आ चुका हूँ वैसे, मैंने दोनों बार आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा बोला है कि जो भी करेंगे ढंग से करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा और, मैं देखो मैंने सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया, देखो एक्सटर्नली इंटरनली बता दिया। एक्सटर्नली क्या है, एक्सटर्नली इतनी एप्लीकेशन है नहीं। बाकी आप जब बाइसेक्टर थ्योरम करोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करोगे, तो उसमें भी इंटरनली एक्सटर्नली होती है। एक होता है कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर वाली कि इंटरनली है, एक होता है कि आपने इस तरीके से जब मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे जाके इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे को और इसको, तो वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? अब देखो मैं हल्का सा और आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखो जो अगर सपोज कीजिए, देखो आपने कई बार देखा होगा कि के रेशियो वन ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? होता क्या है कि अगर मान लो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, और आपसे बोले कि अब की बारी आपको रेशो निकालने को बोले, आपसे बोले कि रेशो निकालो। देखो सपोज करो मैंने यहीं पे क्वेश्चन ही बना दिया आपके साथ, ठीक है? यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये मेरा दो मेरे पॉइंट है, ये मेरा कितना है -2 -2, ठीक है? कई बार होता है मैं बोल देता हूँ मुंह से ठीक और लिख देता हूँ गलत, तो उस चीज को इग्नोर कर दीजिए, और जब नोट्स बनाते हैं आप तो उसको आप ठीक करिए, ठीक है? वो हो जाता है मेरे से कई बार जल्दी। और ये आपका कितना है, ये -2, हाँ ये पॉजिटिव था, ये +2 और यहाँ पे -2, ये आपका -2 -2। अगर ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर मेरा वाई, देखो आपको मतलब चलो छोड़ो अभी छोड़ो, आपको ये एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? सपोज करो ये पॉइंट एक्सिस पे नहीं होता और बोलता मेरे से कि ये रेशियो निकालो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एम रेशियो अगर एन मानूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फिर उस तरीके से करोगे सॉल्व थोड़ा लंबा चला जाएगा। आप क्या करोगे, के रेशियो वन मान लोगे। अब एक चीज देखिए, अब बताता हूँ ये चीज क्या है। यहाँ पे क्या है, मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे वाई तो है लेकिन एक्स जीरो है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट मेरा जीरो है। तो मैं अगर मेरा मैं अपने सेक्शन फॉर्मूले से जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसको इक्वेट करा दूं, मतलब यहाँ का जो मेरा एक्स और वाई आएगा उसके एक्स को मैं इक्वेट करा दूं, देखो मैं बताता हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ कि एम x2 + nx1 / m + n, अगर मेरा ये जीरो है तो मैं इसको अगर इक्वेट करा दूं, ये तो उधर चला जाएगा, तो मेरा बहुत जल्दी आंसर आएगा या नहीं आएगा? देखो ये उधर चला जाएगा और ये मैं एम एन की जगह के और वन मान रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? वैसे मैं सोचता हूँ कि क्लास थोड़ी जल्दी हो जाए, बट इतना कुछ होता है बताने को। देखो 2k, देखो 2k प्लस -2, क्योंकि ये देखो यहाँ से जहाँ जाएगा और ये इंटरनली ही चलेगा सब कुछ, एक्सटर्नली वाली चीज खत्म। मतलब वो बताने के लिए होती है थ्योरी, अब थ्योरी में है वो, प्रैक्टिकल में भी है, लेकिन प्रैक्टिकली में मैं आपको तब बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री के, फिर समझना आप कि क्यों जरूरी है, बहुत क्लास चीज है वो। अब देखो नीचे क्या आएगा, क्ले के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो कर दूं मैं, यही तो मैं कर रहा हूँ, मैंने एक्स वाला, तो मेरे को क्या है, देखो यहाँ से मेरे को आइडिया मिल गया, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा 2k - 2 = 0, के इक्वल्स टू 2/2 मतलब 1 1। देखो मेरे को वैसे तो मेरे को यहीं से दिख रहा था कि मिड पॉइंट है, लेकिन मेरे को देखो अगर ये 1 1 मिल गया तो मेरा प्रूफ हो गया। अगर सपोज करो ये मेरी वैल्यू कुछ और आती, k की वैल्यू मेरी 5/4 आती, तो मेरे को यहाँ पे 5 मिल गया और 5 मतलब रेशियो कितना लिख रहा था, देखो k अगर मेरा 5/4 आ रहा है, सपोज कीजिए हाँ थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो अगर ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, इस तरीके से मैंने किया, अब मेरे को यहाँ पे कोई मेरे को डिवाइड कर रहा है, सपोज करो मेरा यहाँ पे मैंने के रेशो, मेरे को रेशो निकालना है और मैंने के रेशो वन निकाला और पुट कर दिया, और यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे। देखो पहली चीज़ आपको ये जरूर देखनी है कि आपको क्या सफिशियंट चीज़ें दे रखी हैं, वरना निकलेगा ही नहीं। देखो SSC ने अभी CND वाले ऑप्शन इतने नहीं दिए हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच रहा है और ये सब चीज़ें इतनी हो रही है, प्रोटेस्ट वगैरह इतना कुछ हो गया है, और अच्छी चीज़ें वो करना चाहते हैं तो आपको वो CND भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि आपको सफिशियंट चीज़ें देख रखी हैं नहीं, वो कैसे मिलेगी आपको, जनरलाइजेशन पता है, आपको फॉर्मूला पता है, उसके अंदर आप देखो कि आपको दो चीज़ें, अगर दो चीज़ें गायब कर दी, सपोज करो मैंने आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दे दिए, और मैंने यहाँ पे कहीं पे मैंने ये भी नहीं बोला कि किसी एक्सिस पे है, तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, जब तक मैं आपको यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं दूंगा, मेरे को यहाँ का कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आपने यहाँ पे निकालो, सपोज करो आपने के इक्वल्स टू आपका 2/3, तो मेरे को तो k रेशो 1 निकालना है ना, तो मैं 2/3 रेशो 1, अब ये उधर चला जाएगा तो मेरा 2/3 आ जाएगा। देखो ये मेरे को, मैं अभी आपको और चीज़ें बताऊंगा,
आपको मेरे को आज यही बताना था कि डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरी चीज कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप, और आप मुझे मोटिवेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग गया होगा वैसे, और हर कोई कर रहा है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है कि कोई मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन एक स्मार्ट मेहनत होती है, एक थोड़ी सी डोंकी वाली मेहनत होती है, तो आपको स्मार्ट मेहनत करनी है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है सब कुछ, और ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप रोज़ वॉक डाउन हो रहे हो तो आप रोज़ मोटिवेट हो, आपको कोई ना कोई तरीका आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, बच्चे बहुत क्वेश्चन भेजते हैं, और जो थोड़े से अच्छे जो लगते हैं ना कि ये थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है और थोड़े बेकार से मतलब तरीके से करोगे आप लोग, वो मैं करवाता हूँ। कल भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, उसमें से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो मैं करवाऊँगा आपको मैथ्स डाउट में। बाकी आपकी अब ये फोर्थ क्लास थी, अब ये लगातार फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे चलेगी। और देखो आप लोग परफॉर्म अच्छा करो, जो ग्रुप में होते हैं मेरे को ग्रुप की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है। मैंने आपको 1 2 3 क्लास जैसे दी, उसके बाद मैं 2 दिन के लिए इसलिए रुक गया था क्योंकि मेरे को लगा कि यार आप लोग तो पिछला वाला भूलते चले जा रहे हो। फिर मेरे को लगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट कराता हूँ पहले, और रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन एप्लीकेशन देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने दी किसी ने नहीं करी, एक आध बच्चे ने करी थी। चलो ठीक है, क्लास ओवर है अभी के लिए फिलहाल, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।